दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है सपना चौधरी। आप सभी जानते हैं सपना चौधरी एक मशहूर डांसर और हरियाणवी सिंगर है और लाखों लोग इनके चाहने वाले हैं। आज हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल में एक नेता ने भरी सभा में भरे मंच पे सपना चौधरी के पैर पकड़ लिए। ये पैर क्यों पकड़े वो भी हम आपको बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एक नेता को फकीर बाबा ने चप्पलों से क्यों पीटा। बड़ी हैरानी वाली बात है, वीडियो तो पूरा देखिए मजा आएगा। दोस्तों हुआ ये कि दरअसल में और हो जैसा ये रहा है कि आप सभी को पता है कि आजकल हमारे देश में चुनावी माहौल गर्म है। सभी नेता चुनाव जीतने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की स्कीमें प्रलोभन आम जनता को दे रहे हैं। कोई फ्री शराब बांट रहा है, कोई फ्री पानी बांट रहा है, कोई फ्री बिजली बांट रहा है, कोई गरीबों के साथ जाके खाना खा रहा है। अलग अलग तरह के प्रलोभन सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से वो चुनाव जीत जाए। देश की सेवा करना, जनता की सेवा करना, ये इनका मोटिव नहीं है। इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका मेन मकसद है सिर्फ किसी तरीके से चुनाव जीत जाए, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे आप सभी जानते हैं। खैर वो एक बात की बात है। तो दोस्तों हुआ क्या कि दरअसल में शिवपुरी के अंदर बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एब्रन सिंह गुर्जर ने चुनाव प्रचार के लिए सपना चौधरी को बुलवाया, जिसके बाद बाकायदा सपना चौधरी का एक डांस भी स्टेज शो भी किया गया और जिसमें काफी भीड़ लोगों की आई, पुलिस भी वहां मौजूद थी और एक टाइम तो ऐसा भी आया कि भीड़ बेकाबू हो गई सपना चौधरी को देखने के बाद। खैर किसी तरह से प्रशासन ने उनको कंट्रोल किया। उसके बाद मंच पर जो ये प्रत्याशी हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के, इन्होंने बकायदा सपना चौधरी को सम्मानित भी किया और उसके बाद उनके पैरों में पड़ गए। उनके पैरों में गिरने का जो मकसद था वो शायद यही था कि वो आम जनता को ये दिखाना चाहते कि वो महिलाओं का, नारियों का कितना सम्मान करते हैं और किसी तरीके से सपना चौधरी उनको कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे कि वो चुनाव जीत जाए। खैर अब चुनाव जीतते नहीं जीतते ये तो उनके काम और उनके कर्म बताएंगे। बाकी अब एक नए प्रत्याशी हैं, ये भी इनको भी देख लीजिए। ये रतलाम शहर के एक कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मिस्टर पारस। इन साहब ने तो कोई अलग ही कमाल कर दिया। ये एक फकीर बाबा के पास गए चप्पलें लेके और जैसे उन्होंने फकीर बाबा को चप्पलें दी, फकीर बाबा ने उन्हीं की चप्पल से उनकी पिटाई कर दी, जमकर उन्होंने चप्पलें उनको रसीद करी। पर यहाँ हैरान होने की बात नहीं है क्योंकि वहां की ऐसी मान्यता है कि जो फकीर बाबा है उनका आशीर्वाद देने का तरीका यही है, आप उनके लिए चप्पल ले गया वो उसी चप्पल से आपको पीटेंगे और उसके बाद वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो है बड़ी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर एक नेता चुनाव जीतना चाहता है, कुछ भी कर रहा, साम दाम दंड भेद सर सब कुछ लगा के सिर्फ उनका मकसद है चुनाव जीतना। अब उसके लिए उनको किसी डांसर के पैरों में पड़ना पड़े या किसी फकीर बाबा से जूते खाने पड़े उसके लिए वो तैयार है। पर दोस्तों इसके लिए आपको भी थोड़ा सा अपना विवेक का यूज करना चाहिए। आपको जब भी किसी प्रत्याशी को चुनाव में वोट डालने जाएं तो ये सोच समझ कर जाएं कि वो आपके लिए क्या करेगा और उसने आज तक आपके लिए क्या किया है। तो दोस्तों क्योंकि चुनाव में जीतने के बाद यही वो नेता हैं जो आज तो हमारे घर घर हमारे पीछे भागने को तैयार हैं और चुनाव जीतने के बाद ये लोग दिखाई तक नहीं देते। खैर जिसको भी वोट डालें सोच समझ कर डालें और ये सोच लें कि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या करेगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप हमें कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं और अगर इस तरह की कोई वीडियो आपके पास भी है तो आप सच की रफ्तार को भेजिए, हम आपकी वो वीडियो आपके जो भी मन की कुछ बातें ऐसी हैं जो हर आदमी अपनी समाज तक, अपने देश तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता है वो हमें भेजिए, हम अपने चैनल के माध्यम से उसको सारी दुनिया को दिखाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।